और ऐसे में माननीय नेता जी भी बढ़ चढ़ कर देने में व्यस्त है। शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं मीडिया से बातचीत यादव साथ ही शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य बीजेपी से जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य वो भी हमारा ही साथ देंगे। कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है। और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, आपके पिताजी भी साथ देंगे आपका। हाँ पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। और शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने पलटवार किया। उन्होंने बदायूं से आदित्य को लड़ाने को लेकर तीखा तंज कसा और कहा कि संघमित्रा हमारे साथ थी, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगी। शिवपाल सिंह का इतिहास देख लो, वो गुंडों के सरदार हैं। उनके इतिहास के बारे में सब जानते हैं। मैंने उनको कहा कि वो गुंडों के सरदार हैं तो ये उनके शासनकाल की जो परिस्थितियाँ हैं, जो माहौल था, उस सबको आप देखिए और उनके बारे में पता करिए, वो गुंडों को संरक्षण देते हैं नहीं देते हैं। जहाँ तक उनकी बात कही कि मैं उनका चेला हूँ, मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, मैं बीजेपी के संगठन का व्यक्ति, उन्होंने अपना कह दिया वो जाने, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि वो गुंडों को संरक्षण देते। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है वो अभी फिर नहीं देने लगी थी। जहाँ तक उनकी चिंता करने की बात है कि महिलाओं का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपना परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आ गए 15 दिन यहाँ घूम लिए, घूमने के बाद अचानक जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है। बेटे का भी अभी भतीजा चुनाव में टिकट करेंगे कि नहीं करेंगे अखिलेश जी, इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। तो अपने घर परिवार का मसला निपटाएं। शिवपाल सिंह यादव बदायूं से एसपी की जीत के दावे तो कर रहे हैं लेकिन अपना या अपने बेटे का यह अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि कयास अब ये फिर से लगाए जाने लगे हैं कि बदायूं से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा लेकिन कहा कि लोग युवा चाहते हैं, बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। एसपी ने फिलहाल बदायूं से शिवपाल यादव को ही टिकट दिया है। शिवपाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है, नवरात्रि में नामांकन हो सकता है। आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक घोषणा। यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, वाह भी लग सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ गई, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। सूत्र लड़ेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद अमेठी आएंगे। चुनाव के बाद अमेठी से चुनाव लड़ का नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले भी न्यूज 18 के सूत्रों ने ये जानकारी दी थी। जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि राहुल वायनाड में जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद अमेठी आएंगे और यहां से भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे और अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। यह एक रणनीति कांग्रेस की हो सकती है कि वायनाड में यह संदेश न जाए कि राहुल दो जगहों से लड़ रहे हैं, इसलिए पहले वहां का चुनाव जब संपन्न हो जाएगा तो अमेठी आएंगे। वहीं रायबरेली की बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की जगह पर चुनाव लड़ेंगी और रायबरेली जो कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, रायबरेली जहां से अभी तक सोनिया गांधी सांसद रही हैं लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अब उनकी विरासत को प्रियंका गांधी संभालेंगी, आगे बढ़ाएंगी, इस तरह की खबर सूत्रों से आ रही है। और इन सबके बीच रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है कि अमेठी से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन कांग्रेस खुद राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाहती है, तो कई आरोप कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने लगाए हैं।
कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। और सुल्तानपुर में प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने वरुण गांधी के टिकट कटने पर कहा कि ये पार्टी का फैसला है। मेनका गांधी ने कहा कि वरुण अच्छे सांसद हैं, साथ ही ये भी इस तरह के लोग हम नहीं हैं। ये क्या मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती करती है, लेकिन वरुण जगह में और बहुत बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश प्रदेश का आधुनिक विकास करना चाहती है, तो वहीं एसपी यूपी को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसलिए ही शायद वो माफिया की कब्र पर आंसू बहा रहे हैं। कोई इतनी कुंठा क्यों होती है? अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तो इनको शर्म नहीं आती कि जो सजा याफ्ता लोगों के घर जाते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री क्या है, वो कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये प्रोटोकॉल भी था कि इनको वहाँ जाना चाहिए था उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने, वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति, और ये वोट की राजनीति के कारण से क्या ना कर दें देश में, तो भगवान ही मालिक है। सबको समझ में आ गया है कि अगर इसी प्रकार की राजनीति रही, यही सब चाहते रहे, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान के भीतर न जाने कितने कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी।